एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी हमें जाना है कटिल टेंपल, और फिर घर आने के बाद 10 to 12:30 मेरी ऑनलाइन फ्रेंच क्लास है, वो अटेंड करनी है। और उसके बाद हम जाएंगे चर्च, जो हम कल नहीं जा पाए थे क्योंकि वो 5 बजे बंद हो गया था। चैपल जाएंगे, म्यूज़ियम जाएंगे, और 2-3 स्पॉट्स है जो आज ही हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज लास्ट डे है मैंगलोर में। कल मुझे मुंबई के लिए निकलना है, कल मेरी कुछ 3 बजे की ट्रेन है, तो आज लास्ट डे है। आज जितना घूमना है घूम लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाती रहती हूँ। तो वापस मैं आ चुकी हूँ कटिल टेम्पल, दिस इज़ द एंट्रेंस पॉइंट। और यहाँ पर आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि टेंपल में, हर एक टेंपल में आपको पैर धो के जाना पड़ता है, तो वो ये स्पेस है। और यहाँ से हम टेंपल के अंदर एंटर करते हैं। अगर आप नीचे देखोगे तो अभी तो पानी नहीं है, बट ये नंदिनी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, और बारिश के टाइम में तो ये पूरा भरा हुआ रहता है पानी से। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं, अभी जाते हैं प्रसादम के लाइन में। सो प्रसादम के यहाँ पे हम चेक करके आते हैं, ज़रा भी लाइन नहीं है। आप ये टेंपल में कभी भी आओ, आपको हमेशा प्रसादम मिलेगा, लाइक प्रॉपर मील मिलेगी, राइस, सब्जी, सांभर एंड एवरीथिंग। और ये हमारी प्यारी सी महालक्ष्मी, आज तो इसने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। तो कटिल टेंपल के बाद हम निकल पड़े थे वापस हमारे सफ़र पे, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेंट एलोइस चैपल। सो ये सामने चर्च है और इसके सामने ही अपोजिट साइड में म्यूज़ियम है। कल भी मैं आई थी बट ये कल बंद हो चुका था, तो चलो आज जल्दी से जाते हैं अंदर। सो दिस इज़ देयर हिस्ट्री, और कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसे। एंड ये चर्च के अंदर का व्यू, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और हर एक पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ मैसेज है, स्टोरीज़ लिखी हुई है वो टाइम की। और ये उसके ऑपोजिट साइड में ही सेंट एलोइस म्यूज़ियम है, ये बहुत ज़्यादा पुराना म्यूज़ियम है। और यहाँ के जो टिकट है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 रुपीज़ है। और यहाँ पे मैंगलोर के बारे में, तुलनाडु के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस। ओके, तो ये बहुत सारा कुछ दिख रहा है, तो हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, नागा के स्टोन्स मुझे दिख रहे हैं, लॉर्ड गणेशा का स्टोन मुझे दिख रहा है, और इनके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ दिया हुआ है। मैंने तो पढ़े थे बट मैं सारा कुछ ये वीडियो में नहीं डाल पा रही हूँ, तो आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। ये स्टोन और ये पेंटिंग्स कितने ज़्यादा सही है। आइवरी कास्केट, रिंग स्टोन, ये कोई सर्टिफिकेट है पुराने ज़माने का, स्पून्स है, उस ज़माने के गोल्ड और सिल्वर के फॉइल भी है, ये टी पॉट है वो ज़माने का, ब्रास का है पूरा, और ये कठपुतली टाइप का छोटे छोटे, वाव कितने क्यूट क्यूट है। ये एंटिक ब्रास की जो कठपुतली होती है वो है, ये होली वाटर पॉट है, ब्रास बाउल्स है, वाटर पॉट है, अलग अलग साइजेस में है, दैट वाज द हुक्का पॉट। ये आई गेस चिमनीज है, जो लैंटर्न्स बोलते हैं वो है ये। एंड ये ज्वेलरी बॉक्स है, काश इतना प्यारा ज्वेलरी बॉक्स मेरे पास भी होता। एंड दिस इज़ कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स है, ये एक डोनट जैसे कॉइन्स भी दिख रहे हैं मुझे, और बहुत पुराने पुराने कॉइन्स थे, और हर एक कंट्री के, मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है, जितने भी स्टेट्स है, सब जगह के कॉइन्स है यहाँ पे, जर्मनी, ग्रीस, पाकिस्तान, इटली, सब जगह के, नेम इट एंड यू विल फाइंड इट हियर।
पुराने ज़माने की जो सिलाई मशीन्स होती थी वो भी है यहाँ पे। कितनी पुरानी पुरानी, लिटरली जंग भी लग चुकी है, इतनी पुराने ज़माने की मशीन्स है यहाँ पे। ओ वाह, पुराने ज़माने के लैपटॉप्स, लाइक ये डेल का लैपटॉप मुझे दिख रहा है, और इतने मोटे मोटे लैपटॉप्स, इतने मोटे मोटे इसके बटन्स हैं, बाप रे। ये वेइंग मशीन्स हैं, कैमरास तो बहुत सारे थे यहाँ पे, मैं सारे कवर नहीं कर पाई ये वीडियो में, बट बहुत सारे कैमरास थे। वो जो वीडियोस निकालते हैं, जो बड़े बड़े कैमरास होते हैं पहले के ज़माने के, कैसे होते थे एकदम एक्सटेंडेड से वो थे, एकदम पूरी, इतने बड़े बड़े कैमरास। अभी के तो एकदम कॉम्पेटेबल जो कैमरास रहते हैं वैसे थे। ये देखो, ये पहले क्या, आई गेस जो, ये देखो वीडियोग्राफी के सारे, इसमें से सारे वीडियो शूट करते थे वो है। नोट्स भी थे यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, फ्रांस, इटली, और ये जेब्रा स्किन का, ये प्योर जेब्रा स्किन का डमरू है, बचता है कि पता नहीं बट था। ये स्कल्पचर्स हैं, ये कुछ आर्ट वर्क काइंड ऑफ थिंग है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगे, घर पे डेकोर करने के लिए बहुत सही है, बट हम चुरा तो नहीं सकते। सबसे फनी है, गोट स्किन का हार्प भी है यहाँ पे, ये मैंने हार्प कभी सुना नहीं है कैसे बजता है, बट प्लेट्स है यहाँ पे, ऐश ट्रे है, और चाइनीज़ एंटीक जो ये है ज्वेलरी बॉक्स वो भी है वहाँ पे, और शेल्स भी बहुत थे यहाँ पे, लाइक मरीन लेवल के जो शेल्स होते हैं, ये लोग ने कहाँ से कलेक्ट किए, कब कलेक्ट किया आई डोंट नो, बट बहुत ही बोलते हैं ना ऑथेंटिक, यहाँ पे सारे ऐसे शेल्स थे, पुराने पुराने ऐसे शेल्स और ऐसे स्टोन्स मैंने तो कभी देखे भी नहीं थे, वो तो इतना बड़ा वाला स्टोन है। और ये वो ज़माने के 3D कॉपर पिक्चर्स आप बोल सकते हो। चेयर्स देखो कितनी, वो बड़ी चेयर थी, आगे जाते दिखते क्या है, ओ माय गॉड। ये जो बल्ब है वो उनके होल्डर्स है, और ये इतने बड़े हैं ना, लाइक हाँ मेरे आधे हाइट के तो ये इतने बड़े थे, मतलब पहले इतने बड़े बड़े थे, अभी तो हम इतने छोटे छोटे लगाते हैं, पहले उतने बड़े बड़े थे। और ये सब बल्ब्स, इलेक्ट्रिसिटी उसके रिलेटेड ही है ये सारा सेक्शन। टाइपराइटर्स, पहले के ज़माने के टाइपराइटर्स, एंड दिस इज़ माय फेवरेट। काश मैं ये बजा के देख पाती कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो ये जो इतना जो स्पेस है वो कांच के अंदर नहीं था, सो आई कुड टच इट, बट नहीं टच किया मैंने। ये रेडियो, पुराने ज़माने का रेडियो, कितने सारे ये नोट्स है, लाइक 250, जैसे हमारा था ना 92.5 FM वैसे था इस पर। ग्रामाफोन, और टाइपराइटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स थे, गोदरेज का टाइपराइटर, मतलब जैसे जैसे लाइक ईयर्स पास ऑन होते गए वैसे वैसे इम्प्रूव होते गया, तो हर एक ईयर का और हर एक सेंचुरी का यहाँ पे रखा हुआ है टाइपराइटर। ये सबसे पुराना है आई गेस, ये तो मैंने बजा के भी देखा, ये बजाया तो ये देखो स्ट्रिंग्स हिल रही है उसकी। और ये अंदर और एक सेक्शन था जहाँ पे सारे ओल्ड यूटेंसिल्स एंड वो सब रखे थे। ओ ये नाइफ्स, ये जो सारे लोग थे जो लड़ाई करने के लिए जाते थे, उनकी स्वॉर्ड्स, शील्ड्स एंड वो सब रखे हुए हैं, एरोज़, तभी एरोज, सबसे पहले एरोज ही यूज होते थे। उसके बाद एक पूरा सेक्शन था जहाँ पे हर एक टाइप की पुरानी बाइबल्स, पुरानी बुक्स,
सब था वापस सब। फिर ये प्रीस्ट के प्रॉपर जो पुराने जमाने के प्रीस्ट है उनके सारा क्लोथ्स बुक्स थे, गिटार्स थी, गिटार के तो स्ट्रिंग भी निकल चुकी है, पियानो भी दो तीन टाइप के थे वो मैंने बजा के भी देखे, एक दो बजे और एक दो नहीं बजे क्योंकि लिए वो अटक से गए थे, बट ऑब्वियस इतना पुराना है वो तो वह नहीं बज रहा था, बट दो तीन के तो बजे है प्रॉपरली। ये वाला तो बहुत पुराना है, ये वाला भी मैंने बजा के देखा। और दिस इज द फर्स्ट कार ऑफ मैंगलोर। ये क्लॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये यहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के स्किन थे, फिर बोन्स रखे हुए थे पुराने पुराने, और जो ऊपर सीलिंग पे जो आपको दिख रहा है ना वो एक वेल है, वेल की जो सारे बोन्स है, और ये सारे हॉर्स लिजर्ड जैकल इन सब के ये जो बोन्स है वो रखे, ये हॉर्स का है स्केलेटन, ये डियर का आई गेस, ये एलिफेंट का इतना बड़ा, पैंथर का, लिजर्ड का भी इतना छोटा छोटा, टूटे टूटे स्केलेटन्स, लाइक एक दो पार्ट्स मिसिंग थे फिर भी उन्होंने रखे है वो। डियर स्केलेटन मुझे पहले दूर से देख के लग रहा था कि डायनासोर, बट फिर मुझे क्लिक हुआ ओ डायनासोर नहीं नहीं होते थे, और होते भी थे तो बहुत पहले थे, तो नहीं है। टर्टल का भी ये देखो कितना बड़ा है, सही सा ये स्केलेटन जैसे रखा है उसका, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ओ दैट इज़ सो ह्यूज, ये पूरे सीलिंग पे लगा के रखा हुआ है, ये पूरा वेल का है, तो ये वेल जो दिख रही है इसकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है, और उसका वो स्केलेटन है। और यहाँ पे भी बहुत सारे डियर्स रेनडियर्स सब के ये लगाया हुआ है, हेड पार्ट जो अपर पार्ट है वो लगाया हुआ, वो क्रोकोडाइल की स्किन थी। और इसके बाद हम आए हैं दूसरे स्पॉट पे, इधर पहले चप्पल निकाल लेते हैं। तो ये सो हम आए हैं मुड़बिद्री देखने, सावरिया कंबाड़ा बसाड़ी, आई होप मैंने ये राइट प्रोनाउंस किया रहेगा, इंग्लिश में दैट मीन्स 1000 पिलर्स टेम्पल। सो ये जो टेम्पल है ये 1000 पिलर का बना हुआ है, और ये बहुत पुराने ज़माने का है, और इसे उस ज़माने के राजा ने बनाया था। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जितने भी आपको पिलर्स दिखेंगे उसमें से कोई भी दो पिलर्स आपको सिमिलर नहीं दिखेंगे, हर पिलर पे अलग जो इनक्रेविंग की गई है और अलग टेक्सचर्स आपको दिखेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है अंदर से। सो जस्ट लेट्स सो चलो जाते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस। यहाँ पे शादी का मंडप कितना ही सही लगेगा, अगर वो पर्टिकुलर जो साउथ इंडियन जो शादी का जैसे टू स्टेट्स में दिखाई थी वैसी शादी का मंडप यहाँ पे कितना ही प्यारा लगेगा। और ये इनका जो वर्कशिप करते हैं मंदिर में, अंदर एक गॉडेस है उनकी वर्कशिप करते हैं, तो उनकी एंट्रेंस यहाँ पे है। जब मैं गई थी तो ये ऑलमोस्ट क्लोज होने के टाइम हो गए थे, लाइक 5-6 बजे ये बंद हो जाते हैं। डोर पे भी कितनी प्यारी एनक्रेविंग की गई है। तो चलो थोड़ा बाहर के साइड से घूम के आते हैं। तो गाइज ये मंदिर के बाहर के साइड का व्यू था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।